कुमार, आप मेरे साथ देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय यूपी में ग्राम पंचायत चुनावी माहौल काफ़ी गर्म चल रहा है। उसी क्षेत्र में हम इस समय मौजूद हैं, रानी की सराय ब्लॉक अंतर्गत सेठवल जिला पंचायत क्षेत्र के, जहां से यहां ताल ठोकने के लिए आए हैं मोहम्मदपुर पूर्व ब्लॉक प्रमुख के ब्लॉक प्रमुख और सेठवल के प्रत्याशी विजय यादव जी। आइए हम उनसे बात करेंगे कि सेठवल की जनता के बीच वो क्या मुद्दा लेकर। देखिए, हम जनता के बीच जनता की समस्याओं का मुद्दा लेके आएंगे। आज के समय में जो सरकार बीजेपी सरकार कर रही है, कहीं कोई प्रशासन शासन में कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, किसी गरीब को उनकी समस्याओं को देखा नहीं जा रहा है, किसी भी रोजगार सभी किसी की समस्याओं को नहीं देखा जा रहा है। आज हर व्यापारी, किसान, सभी वर्ग, सभी लोग परेशान हैं सरकार से। और हम पंचायती चुनाव का, हम यहाँ से जिला पंचायती लड़ रहे हैं और हम यहाँ जनता की समस्याओं को लेकर सदन में उठाने की कोशिश करेंगे कि जिससे शासन प्रशासन जनता की बातों को सुने और उस पर जो उचित कार्रवाई हो वो कार्य किया जाए। जैसे आप देख रहे हैं, रानी सराय बाजार में पूरी तोड़फोड़ हो चुकी है, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई समय नहीं दिया गया। ये प्रशासन जो मन में आ रहा है जनता के साथ वही कर रहा है, जैसा चाह रहा है जनता को वैसा ही चलाना चाह रहा है, और ये कानून रूप से संविधान के हिसाब से ये उचित नहीं है। जो संविधान बना है, संविधान के हिसाब से अगर कार्य हो, शासन प्रशासन चले, तो जनता तो संविधान को मानती है और शासन प्रशासन की उनकी जो भी वो आदेश करेंगे उनका पालन करेगी। पर अगर शासन प्रशासन जबरदस्ती जनता के ऊपर अपनी बातों को थोपे दिए, उचित नहीं है जनता के लिए। उसकी आवाज़ हम लोग जहाँ तक उठाना होगा वहाँ तक उठाएंगे। आगे भी आपका कोई मुद्दा, जैसे आगे भी आप किस चुनाव लड़ेंगे, बस यही खाली जिला पंचायती ही लड़ेंगे? देखिए, फिलहाल तो हम जिला पंचायती लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर आगे हमें अवसर देते हैं तो हम आगे जरूर जाने की कोशिश करेंगे। लोगों के अंदर से आवाज़ आ रही है कि आप यहाँ पे अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब हम जिला पंचायती लड़ रहे हैं तो आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे, और अपने आगे बढ़ने की इसलिए कोशिश करेंगे कि अपनी बातों को बड़े पैमाने, बड़ी सरकार तक अपनी बातों को रखें। अगर सरकार, हमारी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम उस लायक समझते हैं, अगर हमें अध्यक्ष का मौका देते हैं तो ज़रूर हम इस उस पर खड़े होंगे। देखिए, हमारे छोटे भाई हैं, हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है कि हम अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दें, और हम अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और यहाँ की जनता इनको आशीर्वाद दे चुकी है और ये चुनाव भी इंशाल्लाह फाइट करेगी। और जो आपने पूछा कि आगे, देखिए, हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, हम अनुशासित सिपाही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा फरमान जारी करेंगे, अगर इनको अध्यक्ष चुनाव लड़ाने कहेंगे तो हम लोग इनको अध्यक्ष भी लड़ाएंगे। समस्या का आपने सवाल किया तो इस सरकार में लोकतंत्र बचा कहाँ है, संविधान बचा कहाँ है? समस्या एक, जहाँ आप खड़े हैं खुद ही एक समस्या है। यहाँ के लोग जन जन पीड़ित हैं, कोई सुनवाई नहीं, कानून अंधा हो चुका है, सरकार बहरी हो चुकी है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से इसको जगाने का काम कर रहे हैं और एक एक पॉइंट पर एक एक प्रत्याशी को जिता के हम लोग लोकतंत्र को फिर बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं।